हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है शिखा की रसोई में। आज मैं आपको बथुए का पराठा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम बथुआ धोकर साफ़ करके रख लिया है। अब हम इसको बॉयल कर देंगे। उसके लिए मैंने बर्तन में थोड़ा पानी ले लिया है। अब हम इसमें बथुए को डालकर इसको बॉयल करेंगे। बथुए को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। बथुआ हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। अब हम बथुए में धनिया पत्ती, मिर्चा और लहसुन, ये तीनों डालकर पीस लेंगे। एक बथुए का पेस्ट हम इसमें एक प्लेट में डाल देंगे। इसमें आटा गेहूं का एक कटोरी, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन आधा चम्मच, और 2 चम्मच तेल। इन सभी को मिलाकर हम आटा को गूंथ लेंगे। हम इसमें थोड़ा और आटा डालेंगे क्योंकि हमारा आटा थोड़ा गीला हो गया है। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटा हमारा अच्छी तरह से गूंथ गया है। अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट रेस्ट कर चुका है। अब हम इसको फिर से गूंथ देंगे। उसके बाद पराठा बनाएंगे।